अर्चना जी, आज हमारे बीच कुछ दिग्गज कलाकार आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जिनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहे हैं, इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है बल्कि विदेशों में भी इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ये बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ ऑथर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये हमसे और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अनुपम खेर। एक बार जोरदार तालियां अनुपम सर के लिए। अच्छा माय डार्लिंग, इतनी दूरियां ही रखनी पड़ेंगी। मैंने सुना आप लेट आए शो पे आज, क्योंकि आपको कुछ कपड़े की फोटो भेजनी होती है स्पॉन्सर्स को, ऐसा कुछ बोला? हाँ, फोटो भेजनी पड़ती है। क्या बात कर रहे हो, तभी ये लोग देते हैं मेरे को ये। सर सीधी सी बात है, अगर पैसे दे के खरीदो फिर नहीं करनी पड़ती फोटोग्राफ। सही बात, ऐसा है। जैसे आप अपने कपड़े पहन के आते हो तो आपको टाइम नहीं लगता। ये बस सीधी सी बात है सर। मेरे सारे राज खोल दे तू यहाँ पर। अच्छी लग रही हो अर्चना। चाहे तो थोड़ी देर के लिए आप दोनों को अकेला छोड़ नहीं दीजिए। मतलब मुझे आप अपने साथ ही रखिए। अनुपम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जब भी मिलते हैं ना, हमेशा ऐसा लगता है कि आपके चेहरे की चमक और बढ़ गई है। बढ़ गई, पर सर आज तो आप और भी ज्यादा चमक रहे हैं। ये कुछ स्पेशल डाइट है ये जो अमेरिकन के साथ टाइम स्पेंड करके आए, उसका असर है ये? इसके हर सवाल में एक अंडरकरंट होता है। ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब मुझे लगा कि अब टाइम आ गया कि और अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज आज आपके साथ शो करना था, तो भी मुझे लगा कि थोड़ा सा तो आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बट लॉकडाउन में मैंने बहुत देखो मैं सर, मैंने आपकी वाओ क्या बात है। बीच में मैंने अनुपम सर की वीडियो देखी, लैट लगा रहे थे और बैक मसल। मैंने कहा बॉस अब तो हमारा बनता है यार। मतलब पर आप बड़े इंस्पायरिंग है सर। थैंक यू सो मच सर। लॉकडाउन में आपसे जब बात हो रही होती ना, तो ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हो वो उसके पीछे कुछ और भी है। नहीं सर, मेरी बात वहीं तक थी। ये इतना नॉटी है, आई डोंट नो। आप जब अपनी वाइफ से बात करते तो वो नहीं पूछती कि असली में क्या कहना चाह रहे हो? मेरे एक चाचा जी थे, अच्छा जी, पंडित द्वारकानाथ जी। हम छोटे छोटे होते थे, वो ऐसे सेंटेंस शुरू करते थे, दूसरी बात क्या है ना, तो हम सब बच्चे ये सोचते थे पहली बात क्या बताई थी उन्होंने, और पूरी टेंशन रहती थी। तो आप जब कुछ तारीफ कर रहे होते लगता है, अभी भी देखो जूम करना इनकी आंखों में, जरा जूम करना, अभी भी लग रहा है कि बोलना क्या चाह रहे हो। ये मुझे शाहरुख ने एक बार कहा था। अच्छा, शाहरुख खान ने कहा था कि अनुपम जब तुमसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम हमें परख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। मुझे आपके बारे में ऐसा लगता है। सर ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये तो कॉम्प्लीमेंट ही है। अच्छा, तो सर लॉकडाउन में फिर मतलब कसरत की? कसरत की, मैं न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहा था न्यू एम्स्टरडेम की। अच्छा, मेरे सीरीज की। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये कोविड शुरू हो गया। मैंने तो पैंडेमिक वर्ड ही नहीं सुना था। लॉकडाउन में पहली बार मुंबई में कोयल की आवाज, पक्षियों की आवाज सुनने को मिली। वाकई, तो हम पिंजरे में थे और जानवर और जो पक्षी थे वो सड़क पर घूम रहे थे। बड़ी तो ये आई थिंक That was, हमने भी तो कहर मचाया हुआ था ना, उत्पात मचाया हुआ था। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। जमीन को ऐसा समझा था कि हमारे बाप की बपौती है। Okay. तो फिर जब डिप्रेशन शुरू हुआ तो फिर मैंने कहा कुछ करना चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाए, कसरत पे ध्यान दिया और किताब लिखी। मैंने सुना है सर आपने 2-3 किताबें लिखी लॉकडाउन में। नहीं, नहीं तो ज्यादातर शादीशुदा लोग तो झाड़ू पोछे कर रहे थे, खाने बना रहे थे। ये क्रिएटिव आदमी, इन्होंने 2-3 किताबें लिख डाली। मैंने 2-3 किताबें, किताब तो मैंने एक ही लिखी, मेरी तीसरी किताब थी। ओके, क्योंकि मुझे लगा मुझे कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस लॉकडाउन ने हमको ये सिखाया कि हमको 3 ही चीजों की जरूरत है। घर वाले नजदीक होने चाहिए, मम्मी पापा या बीवी बच्चे, या एसेंशियल कमोडिटीज होनी चाहिए कि रोटी राशन, और तीसरा वाईफाई चलना चाहिए। जी, और वाइफ बोलने लगे। नहीं नहीं नहीं, वाईफाई आप तो दो और दो बोले तो चार, आप चार वाइफ्स बोलेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही किताब लिखी मैंने, और उसमें बहुत सारी चीजें डाली। तो उस किताब का नाम है योर बेस्ट डेज टुडे। आज मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू शो के एंड में। तो किस बारे में सर उसमें? बेसिकली मैंने बताया कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कैसे इस माहौल को अपने आप को अच्छा महसूस करूँ। जब हम छोटे थे, शिमला में रहते थे, तो हम बहुत गरीब थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में सोते हैं और रहते हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। क्या बात,
तो वो मेरे जिंदगी का एक असूल बन गया, एक रूल बन गया कि मैं हर सिचुएशन में खुशी कैसे ढूंढूं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ, हम कितने लोग साथ में आ गए, परिवार वालों ने एक दूसरे को सुनना शुरू कर दिया। वाकई। इसके अलावा दोस्तों से, अनिल से बात करता था, सतीश से बात। मेरे पास एक पिक्चर थी मेरे 10th स्टैंडर्ड की। अच्छा। उसमें 57 स्टूडेंट्स थे। मैंने 57 में से कम 39 लोगों को फोन किया। वाह। तो वो उनको कितना अच्छा लगा होगा। अरे बहुत अच्छा लगा। मेरे दो दोस्त हैं बहुत बचपन के, सतीश मल्होत्रा और विजय सहगल। उन्होंने मुझे यहाँ पर आने से पहले मुझे बोला कि यार हमारा नाम मेंशन कर देना, हम अपने मोहल्ले में मशहूर हो जाएंगे। तो ये रिश्ते नजदीक हुए, मैंने वीडियोस बनाए, डबल रोल के वीडियोस बनाए, एक बिट्टू और एक अनुपम। वो जो बिट्टू जो मेरा बचपन का नाम है बिट्टू। सॉरी टू से, पर सर एक बात मैं कहना चाहूंगा। सॉरी अगर कह रहे हो ना तो इसका मतलब कुछ गलत बात करने नहीं, गलत बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी मम्मी आपसे ज्यादा पॉपुलर हो गई है सर अब इंस्टाग्राम पे। ये तो आप देखो #दुलारी रॉक्स दुलारी रॉक्स, पर वो बड़े क्यूट वीडियोस होते हैं सर। बहुत अच्छे। हां, कैसी हैं आपकी मम्मी सर? शी इज वेरी फाइन, शी इज अ सॉलिड लेडी लाइक योर मदर। इनको मेरी मम्मी के टांग में रॉड है, परेशानियां हैं, बट है पावर उनमें, बिल्कुल पॉजिटिव है। और मुझे ज्यादा लोग अब मिलते हैं, सही बात है, मेरे से ज्यादा पॉपुलर है। मिलते हैं मुझे लोग कहते हैं जी आप तो ठीक हो, आपकी मम्मी कैसी है? कैसी है? सिकंदर ने भी शुरू किया, सिकंदर ने एक वीडियो शुरू किया खेर साहब के नाम से। अच्छा। तो वो जहां भी मैं होता था कमरे में पहुंच जाता था वीडियो और बात करना शुरू कर देता था। अच्छा। और मेरी अंग्रेजी ठीक करता रहता था। अच्छा। मैं ओलंपिक्स बोलता हूँ अब, होता कुछ एक्चुअल वर्ड क्या है? ओलंपिक्स। हाँ। दोनों में फर्क क्या है? मेरे को तो ओलंपिक, अरे हिंदी में तो ओलंपिक ही बोलते ना यार। ओलंपिक। हाँ। ओलंपिक नहीं है, ओलंपिक। ओलंपिक है। ई की मतलब। हाँ, या इट्स ओलंपिक। 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 वो ही करता रहता है मेरे को। ठीक। मैंने कहा उसको एक दिन बता, मैंने कहा 89 को क्या बोलते हैं हिंदी में? हंस गया उस दिन। नवासी पपासी चकासी बोल नहीं पाया। सर मैं आपको, किरण मैम को, दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। मैंने देखा लॉकडाउन में आप तो ज्यादातर मुंबई रहते हैं या अमेरिका रहते हैं। हाँ। और किरण मैम चंडीगढ़ में थी। तो सर शादी के इतने सालों बाद ये बैचलर लाइफ जीने का कितना मजा आता है? मतलब हम शादी से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद मोहब्बत हुई, फिर शादी हुई वगैरह वगैरह। बट जितना आपको मजा आता है जब आपकी वाइफ, अब आपकी किस्मत खराब है कि लॉकडाउन शुरू हो गया तो आप जा ही नहीं पाए। ये जोक है, लेकिन जोक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग, इट्स अ वेरी मेन जोक। जी जी जी। वाइफ बाहर है और आप दूर रहे, हो रही क्यों रहे, मजा आ रहे हैं। एक दिन डेविड ने मेरे साथ जोक करने की कोशिश की थी। अच्छा। डेविड धवन जी ने कि अनुपम तू जा रहा है तो ऐश है तेरी, तो फिर तो मैंने उसको ऐसा फंसाया था, मैंने उसको लाली को फोन कर दिया था औरत की आवाज में। अच्छा। उसकी वाइफ को। हाँ, मैं हेलो, ओह माय गॉड, डेविड है, कौन बोल रहा है? और मैंने फोन काट दिया। डेविड की तो ऐसी बैंड बजी होगी। इट्स अ जोक विच मेन लाइक टू क्रिएट। बट ये होता है कि आई थिंक किरण की कुछ फिक्स्ड आदतें हैं कि लाइट ऐसे बंद होनी चाहिए। मैंने दरवाजा अंदर से बंद ठीक तरह से किया कि नहीं, मैं चाय का प्याला रखा कि नहीं, वो उसमें थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है कभी कभी। सर हमारे पास आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ जी। यहाँ पे सर एलडी, बजट बढ़ गया थोड़ा तो एलडी भी लगवा लिया। द कपिल शर्मा शो, थैंक गॉड। ये अमेरिका की फोटो सर? न्यू जर्सी की। ओ माय गॉड, क्या बात है सर। ये सर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैं लेक्चर देने गया था, MIT में, मुझे वहां पर फेलोशिप मिली। अच्छा, वाह सर, कांग्रेचुलेशन सर। अरे तो अच्छा लग रहा हूँ मैं यार। अभी धीरे धीरे वापस ऐसा जाएगा मामला लगता है मुझे। नहीं नहीं, नेक्स्ट। ओह यहाँ ये कुछ परेड थी न्यूयॉर्क में, तो वहां पर मैं गया होता, मैं फोटो खिंचाने का, मुझे हर जगह पीछे घुस जाता था मैं, मेरे फादर की तरह। मेरे फादर, मैं फोन फैंस के साथ भी फोटो खिंचाता था ना, वो पीछे खड़े हो जाते थे। सो क्यूट। हां, ही वाज वेरी अमेजिंग। नेक्स्ट। हां, ये बड़ा अच्छा एक इंडियन रिजॉर्ट है यून के पीछे की फोटोग्राफ। ओके। हाँ, ये सेंट्रल पार्क का एक बहुत खूबसूरत फाउंटेन है, वहाँ का फोटो है। सब अच्छी अच्छी फोटो में आपने दिखा लगाई। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। ये प्रियंका के शूट पे मैं गया था क्वांटिको पे। अच्छा जी। हाँ, शी वॉज वेरी वार्म एंड वंडरफुल टू मी। वाओ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हर। अच्छा सर, एक कॉमन चीज़ जो हमें दिखी, जब भी आप सर्दी वाली जगह पे जाते हैं, पूरा ओवर कोट और पूरा डैशिंग,
कभी सर नहीं ढकते आप, यही वजह है कि आपका दिमाग ठंडा रहता है। मुझे पता था ये सर, मैं अभी ये मेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाएगा, इसके पीछे जरूर कुछ कहानी है। नहीं, ये मैं ऐसे होता हूँ, पर फोटो अगर मैंने ऐसे खिंचाई तो झंडू लगूंगा ना मैं। अच्छा, अनुपम सर की फिल्म की जर्नी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ही लंबी जर्नी रही है, और इस जर्नी में इनका साथ जो इनके बहुत ही कुछ खास दोस्तों ने दिया है, सो आज इनके एक बहुत ही खास दोस्त जो है हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि सर आपसे बेटर इंट्रोडक्शन कोई नहीं दे सकता। किया आपने मेरे साथ। How can I introduce somebody who is me, him, he himself? 45 साल से जानता हूं मैं इसको। Wow. जब हम शुरुआत में 75 में ड्रामा स्कूल में आए थे तो ये डे स्कॉलर था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हॉस्टलर था। मैंने इससे सबसे ज्यादा उधार लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, इसके भाभी के घर पे मैंने सबसे ज्यादा पराठे खाए हैं। ये दोस्ती में हमने बहुत सारे झगड़े किए हैं, और ये आदमी दिल का हीरा है और शक्ल का भी हीरा है, अभी आपको पता लगेगा। और कुछ रिश्ते जिंदगी में टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं, ये वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से आपने छोड़े होते हैं। वाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डैशिंग, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट टैलेंटेड and the most generous man that I have come across, my friend Satish Kaushik. Yahan par ye hum sir, maine socha yaar, are yaar, oh ji yaar, hum log chale jaye yaar, ye kya tum reaction tumhare ko aata hamesha yaar, yaar ye kahan se aa gayi, kyun ofo kya ho gaya, main dil pe haath rakhu yaar, Satish bahut tez dhadak raha hai। कपिल, हाँ जी, ये मेरा 34th क्रश थी। 34 बार तू क्रश हुआ है। हाँ, अगर परमीत इसकी लाइफ में ना होता ना, हाँ, तो कहानी कुछ और। क्रश जो है ना, क्रशर बन जाता है इसके ऊपर। लव यू सतीश। जो अनुपम ने बोला ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट जेनरस हार्टेड ह्यूमन बीइंग। मेरे को इससे प्यार पता है कैसे हो गया था? एक्चुअली क्या, दुबई में हम शो करने गए थे। अच्छा जी, ठीक है। वो रूप की रानी, चोरों का राजा, जो मैंने जी हिंदुस्तान की सबसे डिजास्टर पिक्चर मैंने जो बनाई थी, ठीक है ना, मुझे तो अच्छी लगी थी सर। हाँ, आप उसको प्रमोट करने के लिए गए थे। अच्छा जी, और दुबई में ये अर्चना जो है, सडनली मैं बैक स्टेज था और शो की तैयारी चल रही थी, और सडनली भागती हुई आई और रोती हुई, क्या हो गया अर्चना, क्या कर, सतीश मेरे साथ, सतीश 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 बहुत मेरे साथ, मैं बस में आ रही थी और कुछ लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, ये वो, कि मैं क्या बात कर रही है तू, मेरे को लगा ये मौका इसको इम्प्रेस करने का भी। अभी हीरो अंदर जो है वो मेरे बाहर निकल रहा था, क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये तो बता, हुआ तो क्या, कहने के कुछ लड़कों ने ऐसे किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने देखिए ये अर्चना, ये मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो लड़के 5 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आए तो आप देख रहे हैं आपका शो हो नहीं पाएगा दुबई के अंदर। इसने शो रोक दिया था, और वो बड़े पावरफुल लोग थे, उनके सामने मैंने बड़ी छाती चौड़ी करके बोल दी। अच्छा। और जब ये आई और वो 5 लोगों को हमने वो ढूंढा, मैंने कहा बता कौन सा है, लिटरली ये है, ये है, ये है। वो आके इसके पैर पड़े, उसने सॉरी बोला, उस आदमी ने ताली बजाई, इसने मेरे को गले लगाया, वो गले लगते ही मेरे को क्रश हो गया इसके ऊपर। सती, मैंने तेरी इतनी तारीफ की, तूने मेरे को एक शब्द नहीं थैंक यू का बोला। एक शब्द नहीं बोला, मतलब मैंने I was not even prepared that I was supposed to introduce him. I take back all my observation. देखो कपिल, एक दोस्ती के बारे में एक बात जरूर ख्याल रख लेना, आप सब लोग भी, दोस्ती तब तक दोस्ती नहीं है जब तक आप दोस्त को धोखा ना दो। धोखे से आपको प्यार का पता चलता है। आज तेरे को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अर्चना और मेरा रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारे सामने उजागर हुआ है। इसीलिए तो 34 बोले ना इसने, और ये हर शो में चेंज करता रहता है। एक्चुअली क्या, इनकी दोस्ती जो है ना,
आपको पता है कि मेरी दोस्ती शुरू कैसे हुई? कैसे? वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी, भाई एक लड़का, इसकी ब्राउन दाढ़ी थी, ब्राउन इसके बाल थे, ये तो कुछ अमेरिकन तब से ही लगता था असल में। अच्छा। ये बाहर का आदमी है, कोई है नहीं कहीं दोनों। तो इसको पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी, मतलब अच्छा। एक हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक बाहर एक फ्रूट वाले की दुकान थी, फ्रूट वाले की दुकान यहाँ थी, हमारा हॉस्टल यहाँ था, स्कूल यहाँ था। अब ये जा सकता था फ्रूट वाले के सामने से, लेकिन ये जाता था यहाँ से लंबा चक्कर लेके स्कूल जाता था असल में, ताकि फ्रूट वाले को देख ना पाए और वो इससे पैसे ना मांग पाए। तो पैसे की किल्लत इससे हमेशा रहती थी। एक बार इसने मुझसे कितने लिए थे? 80 रुपये। 80 रुपये 80 रुपये लिए कपिल इसने मेरे से, वापस किए कि नहीं? और वापस नहीं किए। मारने आ गया। मैं बुलवरकर लेके पहुंच गया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तेरे को है ना छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तोड़ डालूंगा, तेरे को फोड़ डालूंगा। जी बेचारा 60 रुपये आए हैं यार, 60 रुपये ले ले, 20 रुपये अभी तक नहीं दिए। मगर मैं इसने जो बात की ना, जिक्र किया, जिसने जो दाढ़ी वाड़ी थी मेरी, तो आई यूज्ड टू लुक लाइक ए फॉरेनर, तो ब्राउन दाढ़ी थी, और मैंने एक प्ले किया था 3 Penny Opera, उसमें मेरे को एक व्हाइट सूट भी मिला था। अच्छा। तो मैंने अपने पास रख लिया था। तो जब भी हमको किसी शादी का खाना खाना होता था ना, तो मैं वो सूट पहन के और वो गोल्ड रिम चश्मा पहन के मैं बन जाता था मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेक्ट। और ये आते थे और हमारे हिंदुस्तानियों को कॉम्प्लेक्स है कि कोई फॉरेनर आ रहा है, ये लेके मुझे जाते थे, दिस इज मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेक्ट फ्रॉम जर्मनी, ही हैज नेवर अटेंडेड अ वेडिंग बिफोर दैट एंड ही वांट्स टू अटेंड अ वेडिंग, प्लीज कम, ओके दैट। और मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती, ज्यादा बात नहीं करता था, ओके ओके थैंक यू। खाते थे, दबा के खाते थे, और उसके बाद में दूल्हे के पास जाता था, अभी भी वक्त है, निकल जाए यहाँ से। तो हमने बड़ा फायदा उठाया, शादी में बहुत खाना खाया, बहुत मतलब मैंने इनके घर बहुत खाना खाया, इनकी बदौलत। आपने एक फोटो जरूर दिखानी चाहिए, आई डोंट नो, जो हमारी वायरल हुई थी, जो ये तब क्या लगते थे और मैं तब क्या, वो है हमारे पास, है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए, वो देखनी चाहिए, ताकि इनको हमारी दोस्ती कहाँ से कहाँ शुरू हुई है और कहाँ पहुंची है। पर मैंने तेरी बहुत तारीफ की अभी, ज्यादा तू मेरे को ज्यादा मत कर, मैं वेरी अपसेट। नहीं नहीं, अपसेट है ना तो बहुत अच्छी बात है, सेट होने का मेरे को मौका मिलेगा। लो, ये सतीश कौशिक जी हैं और ये साथ में मैं हूं। बता, ओह माय गॉड, आई वाज सो गुड लुकिंग यार, तब भी तो और अब भी, माय हां अभी हां, कमाल है यार। ये कितने साल पुरानी फोटो होगी सर? 75 years 45 साल पुरानी दोस्ती आपकी सर, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग रहा है। चलो, पर आपको लगता है, आपको लगता है ये दोनों की शक्ल देख करके ये दोनों कभी एक्टर बन सकते हैं और फिल्मों में आ सकते हैं कभी? जी, अगर ये दोनों आज कपिल शर्मा के शो पर अपनी दोस्ती का रंग लगा सकते तो कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत काम किया है, ये दोनों को देखना है, नहीं आप देखिए सर कहाँ से पहुंचे हम, कहाँ हमारी उपलब्धि जो है, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ओवर दिस थिंग, बट ये इसको देख के लगता है, वो चेक शर्ट, इन दोनों की आंखों में एक सिंसेरिटी है, ये हम पहुंचे हैं सर। 517 फिल्में मैंने की हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं, यहाँ तक पहुँचना बहुत अच्छी बात है। वाओ, व्हाट अ जर्नी सर। हम ड्रामा स्कूल में मेरे साथ ही बैठता था ये, तो ये पोस्टर बनाता था पिक्चरों के, और पिक्चरों के नाम क्या होते थे? जैसे एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी वेजेस ऑफ फियर, तो उसका हिंदी में हमने पोस्टर बनाया डर की तनखा। वेजेस ऑफ फियर का डर की तनखा, मतलब स्टारिंग अनुपम खेर, ये कविता चौधरी, अपना अनंग देसाई, सुहास खान के हमारा दोस्त था, बुरा मान गया, तूने मेरे को कास्ट में नहीं लिया यार। क्योंकि हम ना, हमारा पहला बैच ऐसा था जो फिल्मी बैच था, जो सब थिएटर करने आए थे, लेकिन सबका मकसद यह था कि हमको फिल्मों में जाना है, तो उस तरह के एड बनाने का तब शौक था, किसी को क्या पता था कि वाकई, और मैं लिखता था डायरेक्टेड बाय, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो डायरेक्टेड बाय भी हो गया, वो प्रोड्यूस बाय भी हो गया, वो स्टारिंग भी हो गया, और इट वाज अमेजिंग। हमारा वो सुहास खांडके का जिक्र आया, तो मैं आई हैव टू टेल सुहास, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस, सुहास एक उसको रोल मिला, प्ले का नाम था मैन विदाउट शेडोज, ओके, तो उसमें डबल सेट लगा था, एक नीचे फ्लोर और एक ऊपर का फ्लोर, तो लकड़ी के बड़े से खंबे के साथ ऊपर का फ्लोर फिक्स था, ऊपर टॉर्चरर थे, ये था टॉर्चरर, और हम जो थे वो टॉर्चर्ड लोग थे, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्ले था, तो सुहास खांड का उसमें हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रुप का लीडर था, तो उसकी एंट्री थोड़ी लेट थी, तो क्लास टीचर ने हमारे कहा था कि एंट्री बड़ी धांसू होनी चाहिए, तो वो सीन था जब उसकी, तो सतीश कौशिक जो था वो अपना सिगार सुलगाता ऊपर, और मैं कविता ये सब हम लोग नीचे हैं, हथकड़ियाँ बंधी हुई है,
एक लड़का था महावीर चौधरी, वो ऐसे बैठा हुआ था, और एक दूसरा कुछ था, तो महा उसको ये पिलर है, पिलर के ऊपर पूरा ऊपर सेट लगा हुआ है, साइमल्टेनियस एक्शन चल रहा है। सुहास खान के पीछे दीपक केजरीवाल को बोलता है गिव मी अ पावरफुल पुश। दीपक केजरीवाल ने कहा आज बदला इसको निकाल दो। जब उसकी एंट्री आई वो इतनी जोर से आया कि वो पिलर ही उठ गया। तो सतीश कौशिक की माचिस की तिली नाक में चली गई। अच्छा हमने सपने भूल गया, हम पिलर पकड़े हुए हैं, सब पिलर पकड़े हुए और ऊपर ही ऐसे कर रहे हैं पूरा प्ले ऐसे किया। तो सुहास खान की ये एंट्री थी। Those were the most amazing days, I think. एक जर्मन प्ले था, अगेन इट वॉज कॉल्ड दांतोस डेथ। बहुत उसमें मेरे को रोल दे दिया गया, वहां का फ्रांस का सबसे हैंडसम और सबसे खूबसूरत फ्रेंच रेवोल्यूशनरी था ना। अच्छा, एरो से शेल नाम था उसका, और मतलब उसमें सीन थे कि क्राउड जो है वो बोल रहा है एरो अपनी आंखें हमें दे दो, अपने होठ हमें दे दो, एक बोसा एरो हमें गले लगा लो एरो। मैं अपनी जो डाइसेक्शन मेरे पास ही थी, तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, इतना खूबसूरत इंसान ऐसे कैसे बन सकता हूँ मैं, समझे ना। तो मैं इतना सारे क्लास वाले मजाक उड़ा रहे, सब बोल रहे कि एरो से शेल, सब हंसते थे जब खूबसूरती की बात होती थी। तो मैं अपने अलकाजी साहब के पास गया, डायरेक्टर साहब के पास, तो मैंने कहा सर आपने मुझे गलत रोल दे दिया। तो ये मेरे को बोलते हैं खूबसूरत इंसान, फ्रांस का सबसे हैंडसम, मैं कहाँ से लगता हूँ। उन्होंने मुझे पहले तो डांटा, मतलब थप्पड़ मारने के उस पर आ गए, मुझसे बोला यू आर एन एक्टर, बिहेव लाइक दैट यू आर ए गुड लुकिंग गाय, यू नो स्टैंड लाइक दैट, स्पीक लाइक दैट एंड यू विल बी अ गुड लुकिंग पर्सन। जब शो हुआ तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया सर, और बोला कि वाकई में। तो वो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कपड़े थे हमारे, वो टेल कोट्स वगैरह, और जब वो रोल किया तो वो सीखने को मिला कि वो हमारी जो ये फोटोएं देखी हैं तो कहीं पैशन था। अलकाजी साहब वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर, एक्टिंग टीचर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे अबाउट 1-2 मंथ्स बैक। अलकाजी साहब की बात हुई तो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें, उनकी कमाल की बात आपको बताता हूँ। तो मेरे कुछ चक्कर इधर उधर चल रहे थे ड्रामा स्कूल में, तो मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहा था। अच्छा, तो मैंने सतीश को कहा मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दे, इसने कहा मैं अपना कर रहा हूँ तुझे करना। तो अलकाजी साहब गुस्से में आए और उन्होंने बोला कि उनका एक अंदाज होता था, उनके हॉर्न से पता लग जाता था कि आज वो किस मूड में है। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने बाहर से हॉर्न बजाया तो हमने कहा बुरे मूड में, उन्होंने कहा यू हैव टू टेल मी हैव यू डन द प्रोजेक्ट और नॉट, इफ यू डोंट डू इट बाय टुमारो 2 o'clock लीव द स्कूल। मैं फिर नहीं कर पाया, तो मैंने सबको इनको बोला कि मैंने कहा चलो यार अब मेरा था, अच्छा था 2.5 साल हम साथ में रहे, अब मुझे जाना स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो क्लास में आए और उन्होंने आते ही बोला कि आई एम फाइनली गोइंग टू आस्क एवरीवन हैव यू डन द प्रोजेक्ट, इफ यू हैव नॉट डन द प्रोजेक्ट यू कैन लीव द स्कूल जस्ट नाउ। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, जी मैंने नहीं किया। तो ऐसे 5-6 लोग बैठे थे, सबसे उन्होंने कहा आई विल आस्क यू। तो उन्होंने पूछा आनंद देसाई हैव यू डन इट, तो गर्दन की मूवमेंट देखना, उसने कहा यस सर आई हैव डन इट, कविता चौधरी आई हैव डन इट, अनिता कमर आई हैव डन इट, सतीश कौशिक आई हैव डन इट, सुहास खान के आई हैव डन इट, अनुपम खेर आई विल डू इट। और वो आगे चले, उनको पता नहीं लगा। तो बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग निकल गया, आप मेरे नेक्स्ट डे मैंने प्रोजेक्ट जैसे जैसे किया, इसने करवा दिया, इसने हेल्प करवा दी, सब कुछ करके दे दिया, और मैं नहीं निकला स्कूल से। इसके आई थिंक 8-9 साल बाद मैं फिल्मों में आ चुका था, मैं एक्टिंग वैक्टिंग करना सीख गया, मेरा पॉपुलर हो गया था। अलकाजी साहब मुझे पहलगाम में मिले। अच्छा, और हमको पता लगा तो हम उनसे मिलने गए, और मैंने कहा कि आज मौका है अलकाजी साहब को बोलने का कि सर एक बार मैंने आपको बनाया बेवकूफ। तो मैंने कहा सर कैन आई टेल यू समथिंग टुडे नाउ दैट वी आर नॉट इन द स्कूल एंड यू आर ऑल्सो नॉट देयर। सर एक दिन मैंने आपको थोड़ा सा, ही सेड आई विल डू इट। 9 साल बाद कहता आई डिडंट वांट टू थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस, आई जस्ट इग्नोर इट। That is the most amazing thing about Alkaji Saab. उनके बारे में एक मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर, हिंदुस्तानी रंगमंच के बेताज बादशाह अब्राहिम अलकाजी साहब ने मुझे सिखाया कि जितना बड़ा आपका दिमाग होगा उतनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, और जितना गहरा आपका दिल होगा उतनी गहराई तक मानवता समाएगी। ये उन्होंने सिखाया। वाह, ये मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में ही मारने आया था। अच्छा, ही इज अ शॉर्ट टेंपर्ड मैन। नहीं नहीं नहीं, वहां से शॉर्ट, वहां दूसरा चक्कर था असल में। अच्छा, वहां पे क्या जेलेसी थी, वहां पे जेलेसी तो आज तक जेलेस रही है। अरे आपको पता है कपिल इसने मेरे साथ क्या किया, मतलब क्या सर, 2 महीने में इसने सब कुछ चेंज कर दिया यार। कैसे, मतलब हम दोनों बॉम्बे में थे, ये मेरे से नीचे था,
तो हम दोनों दोस्त बिल्कुल बीच पे मिल रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, ये खार में रहता था, वहां चला रहा था, सारांश की शूटिंग चल रही थी तब, तो शूटिंग चल रही थी। कौन है गंजा आदमी, कहाँ एक्टर बनेगा यार, इसको कौन लेगा, कौन इसको यार, बड़े बड़े इसको बूढ़ों के रोली मिलेंगे असल में, और क्या होगा सर। और मैं जोशीले पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा जी, ठीक है। तो वो लद्दाख में शूटिंग थी, तो मैं लद्दाख चला गया रिलैक्स होके, मतलब है ना। और मैं तो बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ यार, मतलब शेखर कपूर डायरेक्टर है, सनी देओल है, श्रीदेवी है, मीनाक्षी शेषाद्री है, और मैं खुद रोल भी कर रहा था। मैं जहाँ असिस्टेंट होता हूँ ये कोशिश पूरी कर ही लेता हूँ कि अपना रोल घुसा ही दूँ किसी तरह में। तो उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था। वो दो महीने में शूटिंग करके वापस आया तो अनुपम स्टार बन चुका था। महबूब स्टूडियो के अंदर इसका मुहूर्त था कर्मा का, ये नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, दिलीप कुमार, सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मैं भीड़ में खड़ा हुआ और मेरे को ऐसा लगा मैं नहीं। फिर इसने ये भी कहा था जब मैं भीड़ में खड़ा था, अब इसके साथ दोस्ती कर ही लेता हूँ, कर ही लेता हूँ क्योंकि तुम्हारा। और तब इसकी गाड़ी कभी निकलती थी जू से, मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी, तो इसकी कार जब जा रही थी मेरे को पता चलता था तो मैं पीछे कहीं छुप जाता था। क्यों मैं छुप जाता था, मेरे को लगता था मेरा दोस्त, तो वो जेलसी अंदर, एक थोड़ी सी हीन भावना वो आ गई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, और वो होता है हर चीज में, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स से लड़के हमको क्या पता था कि कहीं इंस्पिरेशन भी थी कि अगर इसने किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा यार, क्या बात है, समझ रहा हूं, मैं भी करूं। और हमने भी बना डाली और हमारी पिक्चर में काम किया। और फिर इसको मैंने रूप की रानी चोरों का राजा, मेरी मोस्ट बिलवर्ड फिल्म, उसके अंदर मैंने इसको काम दिया। और रूप की रानी चोरों का राजा के 9 प्रीमियर हुए, उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी, सबसे महंगी फिल्म थी। और 9 प्रीमियर में ऐसा हुआ कि मतलब जब वो डिजास्टर हुई तो मुझे पता नहीं कि क्या हो गया। एक्चुअली फर्स्ट प्रीमियर पे सारे लोग आए थे, 9वें प्रीमियर पे सिर्फ बोनी कपूर था, अनिल कपूर था और मैं था, तीन जने थे। और एक बार तो हैदराबाद के प्रीमियर पे ये आया नहीं, और हैदराबाद के प्रीमियर पे मैं टल्ली होके, और उधर में वीडियो के इंटरव्यूज वगैरह आ गए थे बहुत। अच्छा, तो मैं नहीं शादी हुई, शशि को फोन कर दिया, शशि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर जो है खत्म हो गया। He is here on this stage because of me today. इसने फोन लगाया वहां पर, है ना, होटल के अंदर, ये वो, है ना, वो सब भागते हुए आए। लेकिन मेरा भी उल्टा ही किस्सा होता है, मेरे साथ ही कॉमेडी होती है। मैं एक्चुअली खिड़की के पास गया सुसाइड करने के लिए, तो पता चला फर्स्ट फ्लोर था और नीचे खाना लगा हुआ था। आपका एक किस्सा और सुनाता हूँ जी। वो क्या है, जब फिर काम तो कर ही रहे थे जी, तो ताज कोरामंडल में मैं एक बार चेक इन किया। नॉर्मली आज होटल में चेक इन करते हूँ, तो उन्होंने वीडियो दिखाते थे ना टीवी के अंदर, उनकी फिल्में आती रहती थी। हाँ। तो नॉर्मली आप कहते हैं यार सामान सामून रहते रहते, अच्छा ठीक है चलो हो गया, फैन ए सी फिर आपको दिल करता है टीवी चला दो आप। हाँ। तो आप कैसे टीवी चलाते हो, तो उसने भी सामान रखा, मैंने भी लिया, है ना, और मैं कहता हूँ कोई पिक्चर चल रही होगी, मैंने ऐसे टीवी लगा, रूप की रानी चल रही थी असल में। हमने अभी एक फिल्म की है ड्यूरिंग लॉकडाउन, द लास्ट शो, हम सब ने प्रोड्यूस भी किया, अशोक पंडित ने, मैंने, इन्होंने, रोमी जाफरी साहब ने, विवेक अग्निहोत्री उसके डायरेक्टर हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी रोमी जाफरी ने। अच्छा जी। उसने कहा जब बहुत अच्छी दोस्ती हो ना तो दोस्ती की कुछ गलतियां नजरअंदाज कर देनी चाहिए, तो दोस्ती ज्यादा देर तक रहती है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी हमेशा बनती रही, राइट, हमारे झगड़े भी हुए बहुत सारी चीजों पर, सिर्फ बन रही है तो भी गलत है, तो भी गलत है, तो भी कुछ बट। और हमारा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, अनिल कपूर साहब और खेर साहब और मैं, हम तीनों का एक बहुत बड़ा प्यारा सा अच्छी दोस्ती का, बिकॉज अनिल, अनुपम और मेरे में क्या होता है, जब अनिल और अनुपम होते हैं ना तो मेरे बारे में गॉसिप करते हैं, सतीश क्या बड़ी बुराई करता है, पागल हो गया ये उधर, जब अनुपम और मैं होते हैं यार कपूर साहब क्या यार पता नहीं क्या यार, अच्छा और जब मैं और कपूर साहब होते हैं तो कहते हैं यार एक अमरीका जाके बैठ गया यार, बताओ यार मैं नहीं रहा वहां पर यार, क्या यार वहाँ रॉबर्ट डी नीरो, मतलब हम क्या कौन से कम नीरो हैं हमको यार, हमको छोटे मोटे नीरो थोड़ी ना यार, हम भी बड़े नीरो हैं यार। तो हम दिनों का ये प्यार का गॉसिप, तो दोस्ती में अगर ये ना हो फिर दोस्ती का मजा क्या, असल क्या बात है सर। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं, या आप दोनों, या आप और अनिल सर, या आप और अनिल सर, तो तीसरे आदमी की बुराई करते हैं, तो आज आप दोनों हैं तो चाय लेंगे आप? नहीं, आज हम दो नहीं, आज हम तीन हैं, आज अनिल की बुराई हाँ कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं, किसी तीसरे के साथ नहीं करते। अपने आपको यार बड़ी बॉडी शॉडी दिखाने लगा आजकल, हाँ है ना,
ज्यादा डिमोरलाइज करने लगा. अच्छा आपने बड़ा अच्छा पिच किया था उसके बारे में, अपने उसने दौड़ने की डाली थी ना. हाँ हाँ हाँ. तो मैंने इसको कहा ये दौड़ स्लो रहा है, इसने स्पीड तेज की हुई है. चंडीगढ़ में गया था तो वो मॉर्निंग में रोज गार्डन से मॉर्निंग वॉक करके वापस आ रहा था और वो जा रहा था वार्निंग पे. तो ही सो पॉजिटिव एंड सो एंथुसियास्टिक, मुझे बोला टाइगर लग रहा है, टाइगर लग रहा है तू, टाइगर. तो मैं चल रहा था नॉर्मली ऐसे तेज चल रहा था, सडनली उसने बोलना शुरू किया ना टाइगर, तो मेरा लगा दिल के ऐसे चलता हूं. टाइगर लग रहा है तू. तो उसको मोरल बूस्ट अगर करवाना है ना और आप लो महसूस कर रहे हो तो आप अनिल कपूर को मिल लो. क्या बात है, वी लव यू अनिल सर. अच्छा एक चीज और, जैसे अनुपम सर और सतीश सर की कॉमन चीज क्या है, दोनों ग्रेट एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एनएसडी से हैं, और अनिल सर तीसरे इनके दोस्त. अच्छा उनके वहां वहां बाल हैं जहां जहां नहीं होने चाहिए और हमारे आपके जहां होने चाहिए, मतलब आप उस हिसाब से. पर अभी अनुपम सर उन्होंने एक फोटो डाली, आपने देखी वो? हाँ हाँ. बाल सर एकदम, वो कैसे होगा? वो उसमें बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकले होंगे, है ना? सर आपको एक और राज की बात बताऊं? हाँ जी. आज पहली बार हुआ है हमारे शो में कि हमारे गेस्ट आए हैं और एक घंटा हो गया है, हम उनको बोलते हैं कि सर आइए विराजमान हो जाइए, आपने वो मौका ही नहीं दिया सर. मेरा विराजमान होने का ना. हाँ. तो मुझे ये पूछना था कि सर, या हम आपको दिखाना चाहते थे कि हम अपने दो पैरों पे अभी भी खड़े हो सकते हैं. ये पता थकता कब है? जब हमें दो पैरों पर खड़ा होता है. देखो भाई, कॉन्वर्सेशन और मजाहिया बातें तो सिर्फ अपने से ही निकलती हैं. हाँ. जब आप खुद पे मजाक नहीं करोगे तब तक कोई मजाक मजाक नहीं हो सकता. चलो सर आप विराजमान हो जाए अभी, मतलब आपके ऊपर है. हाँ, आप विराज मेहमान. दिस वाज वेरी बैड वन. ये विराज मेहमान सर, आप दोस्त हैं, आप कह सकते हैं. थैंक यू. द केस रेस्ट योर ऑनर सर, प्लीज. कोई बात, वाह मजा आ गया सर, मजा आ गया. थैंक यू सर. ऐसे अर्चना जी पूछ रही थी जो, क्योंकि आपके आने से पहले हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो था कि आपका क्रश है, था, मतलब जो भी है सर. पर मेरा ऐसा मानना है कि जो दिल के बलबले होते हैं वो कभी ठंडे होते नहीं हैं, वो रहते हैं. पर ये जानना चाहता हूँ कि सर, जब एनएसडी के शुरुआती दिनों में शादियाँ नहीं हुई थी, उस समय गर्लफ्रेंड किसकी ज़्यादा थी सर? गर्लफ्रेंड क्या होती है उन दिनों? पता नहीं यार. जेलस आदमी तो एक ही बात बोल सकता है यार, मतलब नहीं ये यार? मेरे काम से जलते थे सिर्फ. ये फिल्म इंस्टीट्यूट में हम गए तो 6 महीने मैंने 21 शॉर्ट फिल्में की. अच्छा. ये फ्रस्ट्रेशन में आके मुझे मारने लगा, इसे मेरा कुर्ता फाड़ दिया. क्यों? क्योंकि सुबह गर्लफ्रेंड ज्यादा थी. हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं था. आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ वर्क बट सतीश को काम नहीं मिल रहा. सच बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई गुड लुक्स. हाँ, और फिल्मों में गुड लुक्स बहुत काम आती हैं. पर सर आप इतने कमाल के एक्टर हैं, इतने कमाल के एक्टर हैं, कब मुद्दा बदला आपने? पता ही नहीं चला किसी को इस बारे में. गर्लफ्रेंड मेरा सवाल कुछ और था. नहीं नहीं कुछ नहीं. आई थिंक वी वर बोथ पॉपुलर विद द ऑपोजिट. या हमारे दोनों लुटे पिटे रोमांस थे यार, मतलब कि रोमांस में नुकसान ही होना है, कोई फायदे की तो कोई बात एक्चुअली है नहीं. देखो एक्टिंग किसने सिखाई? हां ना, है एक्टिंग इन्होंने सिखाई मुझे. अच्छा, लेट्स कम टू द मुद्दा नाउ. ये है मुद्दा. ओके. हां कैसे सर? भाई ये उनको पराठे का शौक था, ये घर आते थे. अच्छा. अब ये पराठे के बदले इनको कुछ तो देना पड़ेगा ना असल में यार. तो ये एक्चुअली एक 3 पेनी ओपेरा था, प्ले था, जिन्होंने चंडीगढ़ में भी किया था और बहुत जबरदस्त. अनुपम वाज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश एक्टर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, तब एनएसडी में आए थे ये. तो वो उसकी एक पीचम कैरेक्टर था, उसकी स्पीच थी. तो ये पराठा खाने आते थे तो मेरे को ये एक्चुअली पीचम की स्पीच जो है वो बहुत लंबी स्पीच थी, वो सिखाई उन्होंने. पता चला कि वो एक्टिंग की क्लास में उस स्पीच की वजह से मैं फर्स्ट आया, ये थर्ड आया. कैन यू इमेजिन? वाह. अनुपम सर आपको पता है रंग महोत्सव जो एनएसडी में होता है ना हर साल, रंग महोत्सव में हम लोग प्ले करने गए तो हमारे जो गुरु जी थे, मतलब वो अमृतसर में भी बहुत थिएटर करते हैं, श्री केवल धालीवाल जी, तो उनका वो प्ले था और पता नहीं किसने बोल दिया कि आज शाम को जो प्ले हो रहा है हमारा, शायरी प्ले का नाम था, तो बोलते हैं अनुपम खेर साहब आ रहे हैं आपका प्ले देखने. सर मेरा मेन रोल तो नहीं था पर मैं उस दिन ऐसा छाया अपने हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है,
तो खैर आप तो दिखे नहीं मुझे, मैं पूरे अंधेरे में ढूंढूं ऑडिटोरियम में कि कहीं दिखें। मैं भी मन में बात सोचूं कि अगर आएंगे तो फर्स्ट रो में बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं पीछे जाके बैठेंगे, पर मैंने पीछे की लाइनें भी छान मारी कि कुछ मुझे चमकदार चीज दिखे कि अनुपम सर आए हैं। सर प्ले खत्म हो गया, उसके बाद रात डिनर के तो मेरे एक दोस्त थे सीनियर एक्टर, मतलब मेरे से सीनियर थे, तो मैंने उनको बोला यार मैंने आज अनुपम सर आने वाले थे सुना था, तो मैंने तो जान लगा दी। कहता आज ही तूने ओवर किया है, कहता कहता तू आज एक सुर अलग बोल रहा था जिसकी जरूरत थी नहीं। मैं यार वो मेरे से इसलिए हो गया। तो हमारे लिए सर एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ ये ओवर का। मैं एक फिल्म की थी इंग्लैंड में, बॉय विद द टॉप नॉट। अच्छा, उसमें आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बाफ्टा फॉर दैट बाय द वे। सो बट किस्सा क्या था, अभी दो साल पहले की बात है, बर्मिंघम में उसकी शूटिंग थी, उसकी जो डायरेक्टर थी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थी यंग लेडी, एंड मेरा आई वॉज प्लेइंग ए पर्सन रियल लाइफ पर्सन जिसको डिमेंशिया हो गया, एल्जाइमर और डिमेंशिया क्या, तो कैमरा बिल्कुल सामने लगा था, मैं फोरग्राउंड में था और पीछे दीप्ति नवल जी प्लेड माई वाइफ एंड अनदर बॉय हु वॉज प्लेइंग द थिंग। तो मैंने सोचा था कि आज ये पहला शॉट देख के ये सारे यूनिट वाले अंग्रेज जो हैं पागल हो जाएंगे कि क्या एक्टिंग करता है। और उससे पहले डिस्कशन भी हो चुका था, अब रिहर्सल भी हो चुकी थी, तो डायरेक्टर को मैंने पूछा था कि वॉट इज वन थिंग दैट डिस्क्राइब्स दिस कैरेक्टर। उसने कुछ अजीब सी इंटरेस्टिंग सिमिली दी थी, दैट ही इज लाइक ए ड्राई लीफ एंड इफ यू पुट योर फुट ऑन इट इट क्रशेस। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कैसे, और मुझे कुछ करना नहीं था, और मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा कि यहाँ चींटी चल रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो मैं उसको देखते लगा, पीछे सीन चल रहा देखते लगा, और मैंने कहा वाह आज मैंने क्या काम किया है। तो कट हो गया, तो डायरेक्टर बोलती वन मोर, तो मैं वेटरन अपने आप को समझने वाला, और मैंने तो जान लगा दी थी कि चींटी देख देख के चींटी कहाँ चली गई थी। तो मैंने कहा वाई वन मोर, कहती कैन वी मे बी मेक इट ए लिटिल लेस। तो मैंने कहा आई डिडंट डू एनीथिंग, कहती नो वन मोर। तो मैंने कहा ओके हाउ मेनी परसेंटेज लेस, कहती 99%। तो अपने आप को कभी कभी लगता है कि कुछ मैं कुछ करने वाला। की कई बातें ऐसी होती हैं, कई बार आपको ऐसे डायरेक्टर्स नजर आ जाते हैं जो मतलब जो फनी होते हैं, जो अपने अपने काम को जानते हुए भी नहीं जानते असल में, है ना। मेरे को अच्छी तरह एक बड़ा बड़ा कमाल का किस्सा याद है। मैं एक फिल्म कर रहा था, जीतू जी इसमें हीरो थे और मैं उसके अंदर उनके दोस्त का रोल कर रहा था। अच्छा, और कई दोस्तों के रोल होते हैं ना जो दूसरी रील में मर जाते हैं असल में, जिनकी वजह से कहानी चलती है असल में। तो मैं शायद डेढ़ या दो रील में मर जाता हूँ। अच्छा, मर जाता हूँ। मेरी डेथ सीन था कि जीतू जी आते हैं और अपना वो डायरेक्टर ने शॉट लगाया हुआ था, और शॉट लगा करके वो हुआ जो मेरे दोस्त को जिसने मारा, ऐसे कोई डायलॉग था, उन्होंने डायलॉग बोला है ना, तो कट ओके 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 ओके। तो डायरेक्टर ने बोला सर वन मोर सर वन मोर। तो जीतू जी वन मोर क्यों, और जीतू जी का डायलॉग सही था, तो वो जीतू जी को नहीं कह पाए कि आपको इम्प्रूव करना, मैं डेड बॉडी जो लेटा हूँ ना मेरे पास आया और मेरे को आके बोलता है सर वन मोर, मैंने मतलब मेरे लिए वन मोर क्यों, कहते नहीं सर पुट सम लाइफ इन टू द शॉट। पर मैं आपको बताऊँ, आप दोस्ती की जो बात कर रहे थे जी, मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म की थी ब्रिक लेन। वो बहुत बड़ी पिक्चर थी ब्रिटेन की। अच्छा, तो लीड रोल किया था उसके अंदर तनिष्का चटर्जी और मैं। माइंड ब्लोइंग दैट। वो मेरे को पहली बार के कॉमेडी से हटके एक ट्रेजिक रोल मैंने किया, वो मैं बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा उस पिक्चर के साथ। तो उसके यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर आए हुए थे। अच्छा, तो सब क्यों मेरे को उन्होंने सबसे लास्ट में कॉन्टेक्ट किया, और मैंने ना सोचा मैं बताऊं नहीं, और अनुपम को तो स्पेशली नहीं बताऊं, क्योंकि ऐसा चलो ना कि रोल सारा उधर शिफ्ट हो जाए कहीं। तो मैंने वो पूरा का पूरा उसका स्क्रीन टेस्ट वगैरह दिया। हाँ। और उसके देखे जब मैं सेलेक्ट हो गया लंदन जाने लगा, तब मैंने इसको बताया। मैंने कहा घेर साहब मैं लंदन जा रहा हूँ। लंदन क्यों जा रहा तू? मैंने एक पिक्चर में लिया, तो मैं उसकी शूटिंग है 2-2.5 महीने वहाँ पर। कौन सी पिक्चर मिली है तेरे को यार? हॉलीवुड की पिक्चर। अच्छा कौन सी पिक्चर? ब्रिकलेन। उसके लिए तो मैं ट्राई कर रहा था यार, तेरे को कैसे मिल गई? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा बताया नहीं, कोई रिलीजियस रीजन, और दूसरा कहीं आप साला पिन ना मार दो कहीं यार। सर,
Big fan, sir. Welcome, welcome, welcome. So, very pleased to meet you, sir. अरे बात सुन, इतना खराब दिखने की कोई खास वजह? आप कॉमेडी से बाहर आए तो आपको पता चले मैं उसा गया हुआ था। कहा उसा क्या होता है यार? जहाँ ट्रंप प्रेसिडेंट थे। यू ओए हाईली अनएजुकेटेड आदमी, उसा नहीं होता। ये भी मेरा सर बचपन का दोस्त है जी। हाँ जी, उसा मतलब यूएसए बोल, यूएसए को बोल रहा है, यूएसए बोलते उसको। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, जो मर्जी बोलते हो। तुम्हें तो नहीं कभी बुलाया उन्होंने? सर मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मिस्टर बिडेन के यहाँ से ना मेरे को फोन आया, कहते वो जो ट्रंप है ना वो व्हाइट हाउस छोड़ नहीं रहे। तो प्लीज चंदू जी आप आइए और हमारा जो है सारा वो मामला सुलझाइए। अच्छा। तो मैंने कहा छोटे छोटे काम के लिए मेरे को क्यों फोन करते हैं आप? फिर सर जाना पड़ा क्योंकि वो वाकई वो छोड़ नहीं रहे थे व्हाइट हाउस। तो बस तो जैसे अभी तू भी नहीं ये शो छोड़ रहा, हम किसको बताएं? इसके सर झूठ बोल रहा है, इसके सगे भाई बहन नहीं बुलाते, जो बिडेन बुलाएंगे इनको। सर एक्चुअली ना मिसिस बाइडेन ने मेरे को फोन किया था, कहती वो बाइडेन जो है वो टेंशन में, वो खाना नहीं खा रहे। अच्छा, तो इसलिए फिर ये प्रॉब्लम हुई। वो बाइडेन नहीं, जो बाइडेन। मेरे को पता है कि वो बाइडेन नहीं, वो जो बाइडेन है। हाँ, तो? लेकिन बाबी जी संस्कारी है, वो नाम लेती, इसलिए जो उनके जो बाइडेन है वो उनके वो बाइडेन है। वाह चंदू, इसलिए वो कह, इतने बड़े कलाकार तेरी बात पे हंस रहे ना, तो मेरे को तो वैसे शक रहता है इस पर आपने रिस्पॉन्स दिया तो क्या बात है। पूरा होने में खतरा था, लग रहा था। अगर इन्होंने एक बार इसका रीटेक बोल कर दो। One more. हाँ। मुझे पता है कि वो बाइडन नहीं है, वो जो बाइडन है। लेकिन बाबी जी थोड़ी संस्कारी हैं, इसके लिए उनके जो बाइडन है उनके लिए वो बाइडन है। मैं मानता हूँ आप बड़ी बारीकी पकड़ते हो। अब इसको बोलो सेम सेंटेंस, जेब में हाथ डाल के बोले। चलो चलो चलो, ये तो टेस्ट हो गया। क्योंकि ये बोलते हैं ना वो बाइडन, तो जो तो ये इसका मैंने मेरे को एनर्जी दी, मैं गया लेकिन मेरे को अब कर एक बार ट्राई कर, चंदू ट्राई कर दे आज, जेब में हाथ डाल। हाँ अच्छा, मैं क्यों भी देता हूँ, वो बाइडन नहीं, वो जो बाइडन है सर उनके जो। सर चंदू एक बार और ट्राई कर, हाथ जेब में हाथ। हाँ एक बार और ट्राई कर, एक दोबारा क्यों? एक बार वो बाइडन नहीं, वो जो बाइडन है। वो मुझे पता है कि वो बाइडन नहीं है, वो जो बाइडन है। तो आपने एक बात नहीं नोटिस की सर, इसने ये ईमानदारी ना बड़ी काम आती है स्टेज पे। अभी आपने बोला कि जेब में हाथ डालो, तो फिर इसने हाथ वाली चीज ना मुंह के साथ की, कहता वो जो बाइडन है, वो जो है तो ऐसे है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो वाकई जो ट्रंप थे वो व्हाइट हाउस छोड़ नहीं थे। अच्छा। फिर मैंने 150 गज का प्लाट लिया, वहां पे एक हाउस बनाया, उसको मैंने व्हाइट किया और बाहर लिखा ट्रंप और मेलिना की कोठी। अच्छा। फिर जाकर सर खुश हुए और 2 कुत्ते भी रखे उन्होंने। अच्छा। तेरे को कहां कहां काटा उन्होंने? काटा नहीं, मेरे को चाटा, मेरे फैन थे वो। अच्छा। जैसे सर उधर पेट लवर होते ना, तो ऐसे उनके जो पेट थे वो चंदू लवर थे। अच्छा। जैसे मैं ओ हो करता हूँ मेरी मिमिक्री कर रहे थे। बस तुम इससे थोड़ा ज्यादा नहीं कर पाए वो बेचारे। इससे ज्यादा तुझसे भी नहीं हो पा रहा कभी। तो कैसे करेंगे? कैसे नहीं होता मुझसे इससे ज्यादा? पिछली बार जब ट्रंप इंडिया आए थे उनको स्पीच की स्क्रिप्ट किसने लिख कर दी थी? माय गॉड, श्री चंदू जी ने। रियली? अच्छा, तभी उन्होंने सारे नाम गलत लिए थे, सुचिन तेंदुलकर। ए बंदे तैयार करवाएगा, ऐसा टीचर होगा तो यही होगा ना सर। सर वैसे आपकी पिक्चर कागज आ रही है सर, और मैं चाहता हूँ कि ये सबसे पहले व्हाइट हाउस में लगे। मुझे बोल देते तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा चैनल को भी बोला करो, हद हो गई है। सर पिछली बार बच्चन साहब इधर आए, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी, मेरे को उन्होंने फूल दिया और साथ में उन्होंने मेरे को चिट्ठी भी लिखी। अच्छा। और कहने लगे चंदू यू आर ऑसम, और तुम 5 दिन मेरे साथ भी इधर केबीसी में आया करो। अच्छा, क्या
बात है, सुपर सुपर। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। नहीं 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 नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। हम आपके काम की बहुत ही प्रशंसा करते हैं जी। लेकिन कपिल शर्मा जी, जी हम आपकी बहुत ही निंदा करते हैं। क्यों बचपन साहब? अनुपम जी यहाँ पर किताब लेकर आए हैं जी। सतीश जी कागज लेकर आए हैं जी। आप अमृतसर से क्या लेकर आए हैं? ये रति। बचपन साहब आपका ये बड़प्पन है, आपने रद्दी बोल दिया, नहीं मैं तो उसको चड्डी में लेके आया था। तो इस चड्डी वाले की वजह से आपके पास बड़ी बड़ी गड्डी है। एक मिनट, ये सब क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? ये चड्डी पट्टी लगे कबाटे 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 लो नौ 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 कबाटी करो नौ नौ कबाटे टाइट। सॉरी, ये हमारा हास्य विनोद जो है वैसे ही निकलता रहता है बीच बीच में। खैर, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों को देखकर। उन दिनों की बातें याद आ जाती हैं। वी हैड वर्क टुगेदर लॉट ऑफ फिल्म्स, या वन ऑफ आवर बेस्ट फिल्म्स सूर्यवंशम। यस या सूर्यवंशम Great film. We were together in Hyderabad. You remember? Yes, yes, of course. भेड़ बकरियों के बीच में थे हम लोग। जी जी। काफी गांव के सीन्स थे। जी जी। भेड़ के बाल से बनती थी ऊन, ऊन से बनती थी कालीने, ऊन से बनते थे गोले, ऊन से बनते थे स्वेटर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उन दिनों की बातें कर रहा हूँ। Fantastic, Satish ji. One of the best actors I've seen, you know. Fantastic. Filmein bhi bahut kamal kamal ki banayi aapne. As a director, hum aapke dil mein rehte hain. Badhai ho, you were there in the film, yeah. Fantastic. Meri one of the favorite films thi wo, Tere Naam. Aur mujhe gaane bade pasand aaye the. Khaas karke wo gaana. लगने लगने लगी मुझे लगने लगी हो गया। वो गाना मुझे बहुत पसंद आया था। आइए कभी रिक्शा में मिलते हैं। रिक्शा में क्यों? मैं असली वाला थोड़ी हूं जो प्रतीक्षा में मिलूंगा, मैं तो रिक्शा में ही मिलूंगा। ब्रिलियंट। बचपन साहब, ये क्या बोल रहा था आपको पता? आग पे आने से पहले कह रहा था आपने इसकी एक्टिंग देख के इसको चिट्ठी लिखी थी। सौ से अधिक सौंदर्य से भरपूर अभिनेत्रियों को छोड़कर आपको ऐसा लगता है कि हम इसे चिट्ठी लिखेंगे? 84 लाख योनियां हैं पैदा होने के लिए, लेकिन इस योनि में इंसान का जन्म लेकर तुमने एक काबिल इंसान का हक मारा है। चलो, मैंने इंसान का हक मारा है, लेकिन पेटीकोट पहनकर शो में आकर औरत बनकर किसी लड़की का हक तो नहीं मारता मैं। क्यों अर्चना जी? अर्चना जी को बीच में मत लाइएगा। इनके बारे में क्या कहूं मैं आपसे? लोगों के पास फ्री टाइम होता है तो वो झक मारते हैं, इनके पास फ्री टाइम होता है तो ये हक मार लेती हैं। चलो सर, आप कंटिन्यू करो, फिर मैं चलता हूं। अच्छा, इतने सालों से जो शो पर नहीं चला। वो कहता है कि मैं आज चलता हूं। हाथ तुर फटे मुझ तेरा। बचपन साहब, वैसे आप इलाहाबाद से हैं, ये अचानक वाया अमृतसर कैसे आ गए आप? क्या करें सर, यहाँ
ऐसा पंजाबी माहौल है, यहाँ मिथुन भी आएगा तो फगवाड़े का ही निकलेगा। यार तुम लोग ये क्या क्या लगा के रखा है चंदू, तुम कुछ नया क्यों नहीं करते? मैं नया कर सकता हूँ क्या? मेरे को चार पांच आवाजें निकालनी आती हैं। दोस्त के शो में तो तुम्हारी चार आवाजें निकल जाती हैं, बाहर एक भी आवाज नहीं निकलती तुम्हारी। जो भी हो बचपन साहब, मान लो मैं आपसे टैलेंटेड हूँ। अच्छा? हाँ मैं हूँ आपसे टैलेंटेड। आप हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं जी। ठीक है, एक ऐसी चीज बताइए जो आप कर सकते हैं और मैं नहीं। मैं गोविंदा के हर एपिसोड में परफॉर्म कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं? बंदे कुटाई की घोषणा। बंदे कुटाई की सर आपने। क्या बात है, क्या बात है चंदू कृष्णा, लव यू ब्रो। सर योर बेस्ट डे इज टुडे। यस। सो हमारा जानने का ये मकसद है कि हमारा बेस्ट डे कब होगा, मतलब हम कब खरीद सकते हैं, कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं इस बुक को? मैं आज आपको और आप इस शो को मद्देनजर रखते हुए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ये प्लेटफॉर्म है इस बुक को रिलीज करने का। थैंक यू सर। दुनिया के सामने पहली बार ये किताब आपके कपिल शर्मा शो में आने वाली है और मैं ये मेरी खुशनसीबी है और उससे सबसे बड़ी बात है कि मेरा जिगरी दोस्त मेरा चीफ गेस्ट है आज। इनके थ्रू मैं ये किताब को रिलीज करना चाहता हूँ आपके शो पे। तो अगर किताब आ जाए तो हम बाकायदा दुनिया तक पहुँचाएं उसको। अर्चना कम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटीफुल। वाओ, थैंक यू। वाओ। सो दिस इज ये इसका जो टाइटल है, मेरी मदर को ये किताब डेडिकेटेड है। वाओ। मैं वो बस एक लाइन पढ़ दूं मैं? प्लीज। इसमें लिखा है फॉर माय मदर दुलारी who while dropping me in primary school repeated every morning your best days today. Wow, beautiful. Wow. Thank you so much for this beautiful gift. Of course, of course. Thank you. तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि सतीश सर की डायरेक्ट की हुई फिल्म कागज जो है वो जल्द ही रिलीज होने जा रही है, तो चलिए बुलाते हैं फिल्म कागज में लीड रोल कर रहे एक ऐसे जबरदस्त एक्टर को जिन्होंने पिछले कुछ ही सालों में एक अलग ही मुकाम बनाया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर पंकज त्रिपाठी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए पंकज भाई। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बहुत बहुत अच्छा काम करते हो पंकज। अरे सर सुपर्ब। उसी स्कूल के हो जिस स्कूल से हम हैं। सिर्फ कुछ सालों का फर्क है इधर उधर। बहुत सालों का फर्क है। अभी मुझे, मैं पीछे बैठा था बैक स्टेज में, बातें हो रही थी तो आपने बातों बातों में 75 का जिक्र किया। जी जी। आप दोनों ड्रामा स्कूल में थे 75 में और मैं सोच रहा था कि उसी 75 में बिहार के गांव में मैं पैदा हो रहा था। हाँ वंडरफुल, हाँ वंडरफुल। तो और मैं थोड़ा असहज था घुसते हुए क्योंकि जब मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ रहा था सो ये सिर्फ हमारे लिए, मेरे लिए सीनियर एक्टर नहीं है, सच में सीनियर है। तो जब मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ रहा था तो अंकुर जी देवेंद्र राज अंकुर डायरेक्टर थे और आप अनुपम सर चेयरमैन थे उस वक्त हमारे। ठीक है सर। क्या बात। अर्चना जी नमस्ते। नमस्कार जी। आपके पीछे बहुत जो बैठे हैं ना वो, उनको मतलब मैं वैसा ही बैठूंगा इधर। नहीं, नहीं। जब तक आप ये बरकरार रखोगे ना ये मासूमियत जी। और ये तब तक आप जिंदा रहोगे बतौर एक्टर। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट। हाँ यही तो है। जिस दिन आदमी ये नम्रता की या तो एक्टिंग करे या मैं बहुत कमाल हूँ उसकी एक्टिंग, तो फिर उसका मतलब उसका करियर तो चलता रह सकता मगर उसका अंदर का एक्टर मर चुका है। बिल्कुल। और अब पिछले कितने सालों से आपने तो धमाका मचाया हुआ है। धमाका मचाया है। And we are so proud of you। मैंने पंकज को जब भी किसी पिक्चर में देखा ना मुझे लगा ये ऐसा कमाल का काम करता है, इतना सहज काम करता है, इतना
मतलब होता ना कि अंडरस्टेटेड काम करता है और उसका इम्पैक्ट भी एक wow. ये बहुत 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 जरूरी है, so proud of बहुत, बहुत, बहुत कम एक्टरों में होता है. मैं तो हमेशा इनको बोलता हूँ, मैं क्योंकि मैंने कागज में काम किया और कागज में लीड रोल कर रहे हैं और पूरी पिक्चर जो है इनके कंधे पर है wow. और इन्होंने भी स्क्रिप्ट पढ़ के मतलब जो है पिक्चर को एकदम हाँ कर दिया और मुझे लगा मेरा जो वो बिहारी लाल मृतक जो कैरेक्टर है जो डेड मैन है वो मेरे को मिल गया. ये तो इतने अलाइव आदमी है कि इन्होंने डेडमैन की एक्टिंग जो है वो कमाल की है और सहज तरीके से की wow. उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि मैं भारत पिक्चर में काम कर रहा था और सलमान भाई जो है वो मुख्य पिक्चर थी और माल्टा में हम लोग शूटिंग कर रहे थे. तो एक दिन शाम को बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा सर आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट, क्योंकि हमने पहले तेरे नाम की थी इकट्ठे उसके बाद हमने काम किया नहीं. तो मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे एक पिक्चर बना रहा हूँ, एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जिसको गवर्नमेंट पेपर्स पे मृतक घोषित कर दिया गया था, डेड घोषित कर दिया गया था. उसके बाद उसको 18 साल लगे ये बात प्रूव करने के लिए कि वो जिंदा है. समझे ना, 18 साल की उसकी लड़ाई है. तो कहने लगे बड़े ज़बरदस्त कहानी है तो यार, समझे ना क्या कर रहे हो इसका. मेरे मुँह से निकल के आप प्रेजेंट कर दो ना इसको, मैं तो शूटिंग कर रहा हूँ थोड़े दिनों बाद, तो आप प्रेजेंट कर दो. कहने लगे डन. एंड दैट इज हाउ सलमान भाई केम, सलमान खान केम इन टू द पिक्चर, ही बिकेम द प्रेजेंटर ऑफ द पिक्चर. बड़ी अच्छी चार लाइनें हैं कागज़ के बारे में. कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी. बारिशों में है नाव कागज की, सर्दियों में अलाव कागज की, आसमां में पतंग कागज की, सारी दुनिया में जंग कागज की. वाह क्या बात है. तो कागज भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शूटिंग का? बहुत ही अद्भुत. इनफैक्ट सर ने जैसे मुझे कॉल आया इनका कि कागज फिल्म है और एक बायोपिक है लाल बिहारी मृतक जी का, तुम्हें करना है, तो मैं तो उस रात सो ही नहीं पाया था कहानी सुनने के पहले ही, क्योंकि मैं मुंबई ये मान के थोड़ी आया था कि एक दिन किसी फिल्म में सेंट्रल रोल मुझे मिल जाए. मैं तो आया था कि भाई एक्टिंग से घर चलाना है और हिंदी थिएटर में पैसे उतने हैं नहीं, सो चलो मुंबई चलते हैं, वहाँ कुछ इंस्पेक्टर का वकील का रोल करेंगे, गृहस्थी चल जाएगी. तो जब फोन आया कि मेन रोल तू करेगा जिसकी कहानी है बायोपिक में, तो मैं वैसे ही परेशान हो गया. तो और सर एक और संयोग की बात है, किताब से मुझे याद है कि मैं 3 बार यहाँ आया हूँ आपके शो पे और 2 बार आया हूँ किताबों के वक्त, दोनों में किताब थी. पिछली बार कुमार जी की जी. कविता संग्रह और आज ये. तो ये अच्छी बात है कि मैं जब यहाँ आता हूँ तो सिनेमा के संग किताबों की बातें होती है. पंकज भाई जैसे आप ट्रेंड एक्टर हो, आपने इतना काम किया, इतना थिएटर किया, लेकिन फिर भी क्या ऐसा होता है कि जब जैसे आपने ये फिल्म की कागज, तो इसके करेक्टर में जैसे वो बैंड वाले का करेक्टर है, तो आपने क्या उसके लिए खास तैयारी करनी पड़ती है आपको अभी भी? एक्टर की प्रिपरेशन में मुझे लगता है ज्यादा समय लगता है. वो पूरी जिंदगी का अनुभव इन्वॉल्व होता है. कैरेक्टर में 2-3 महीने या जितना वक्त मिला तो लगा ही था. जैसे हमारे बैंड वाले यहाँ पे बैंड बजाने की एक्टिंग करते हैं. अच्छा बजाते हो तो किसी सिंगर के साथ भी बजा सकते थे ना. पर सर ये भी मैं मस्ती मजाक जैसे यारी दोस्ती की बात हो रही, तो दिनेश जो है मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे पहली बार स्टेज पे एज ए होस्ट लेके जाने वाला दिनेश था. अच्छा. और इसने मुझे पूछा, बोलता कोरस कर लोगे? मैंने कहा वो क्या होता है? बता. वो सिंगर गाएंगे गाना, तुम्हें पीछे बोलना होय होय हे हे. मैं कहा पैसे किधर मिलेंगे? ना 300 रुपये. मैं कहा कर लेंगे, इसको बता दो मैं गाता हूँ. और फिर ये मुझे ले गया सर. ले गया तो पता चला जो लीड सिंगर है वो पहुंचा नहीं अभी तक. और पंजाब में शादी, आपको पता है दिन की शादियां होती हैं. जैसे फसल कटती है बैसाखी के बाद, पैसे आते हैं उनके पास, दिन की शादियां और दिन में ही काम. सिंगर कहाँ है मेन? तो ये मुझको बोलता है कि ऐसा है, होस्ट और सिंगर साथ दो साथ में ही आ रहे थे, थोड़ा होस्ट भी बन जा. मैं कहा यार होस्ट उसमें क्या करना है? कहता वो हेलो वेलकम बधाइयां बधुइयां देनी. मैं कहा अच्छा कर लेंगे. फिर पता चला सिंगर भी नहीं पहुंचा, कहता गाना गा लेगा. मतलब मेरी लाइफ में मेरी तरक्की एक ही दिन में हुई. तो मैंने बोला गाना, अच्छा मैं गाना गा रहा हूँ सर. मैंने गाना गाना शुरू किया. मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को मुखड़ा याद रहता है, अंतरा भूल जाता है. और मैं चलते शो में मुखड़ा गा के और वो पी हुई नाच रहे हैं, मैं इसे बोल रहा हूँ इसका अंतरा क्या, अंतरा क्या है? तो ये अंतरा मेरे कान में बोल रहा है, फिर मैं माइक पर बोल रहा हूँ. फिर वो जो दूल्हे का बाप बाप था, उसने इसको बुलाया, ये लगा हुआ गिटार बजाने में. इस चलते गाने में इसने गिटार उतारी और उनके पास गया, कहता मेन सिंगर कितने है? और ये बेचारा फोन लगा रहा है, कहता जी वो ना नेटवर्क में नहीं है. कहता उन्होंने नेटवर्क च लिया.
तो दिनेश मेरा मतलब मैं तब से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को तकरीबन कोई 22 साल से तो थोड़ी ज्यादा इज्जत दे दे फिर इसको यार थोड़ी ज्यादा इज्जत देना इसको फिर तो इज्जत देने से चैनल पैसे नहीं देता वो कहता मस्ती मजाक करो नहीं तो आप भी मेरे को बड़ी ब्यूटीफुल लगती हो हाय हाय अकेले सतीश जी का क्रश थोड़ी हो आप अब आपको क्या क्या बताएं पर बात ये है कि मैं पिछले दिनों एक ऐसे ही मैं गया नहीं हूँ कहीं सिर्फ एक बार गया हूँ एक टॉक शो था जहाँ मुझे कुछ बोलना था ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी की बातचीत और उसके पैसे मिल रहे थे अच्छा हाँ और मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे बोलने के इतने पैसे मिल मैं बातों बातों में बोल गया कि यार जब हमारे पास किस्से थे हमारे पास कहने का मन था तो कोई सुनने वाला नहीं था अब बोलने की इच्छा नहीं है तो पैसे मिल रहे हैं तो यही है जिंदगी यही है जिंदगी मैं किसी के बर्थडे पे गया था और बर्थडे के पैसे मिल रहे थे तो बर्थडे स्टेज पे जाने लगा ना तो कहने लगे सर आप ऊपर जाए ना तो ये बोल दीजिएगा कि मैं इनको ना पिछले 10 साल से जानता हूँ और ऐसा कुछ ऐसा बोल दीजिएगा तो मैंने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा पर ये मुझे 1 साल की बात थी थोड़े साल कम करो या फिर पैसा ज्यादा दो तो हैप्पी बर्थडे मैंने जाके जो स्पीच दी ना उसकी आंख में आंसू आ गए और मैं धीरे धीरे बिलीव करने लगा ये मेरा 10 साल पुराना दोस्ती है ये पैसा पैसा क्या कर देता आपको दे दिया नमस्ते ओए यार अरे अरे यार अर्चना जी क्या देख रहे हैं हम अरे ब्रो यार क्या चुंबक है तुम्हारे अंदर यार इतने प्रसिद्ध लोग कैसे आ जाते हैं यार तुम्हारे यहाँ वेल डन यो ब्रो अरे नमस्कार सर नमस्कार हृदय पुलकित हो गया आप लोगों को यहाँ पे देख के अरे वाह सर अनुपम खेर सर बहुत बड़े फैन है अच्छा। बहुत ज्यादा बड़े फैन है सर हमने आपकी सारी फिल्में देखी मतलब आपकी वो डैडी देखी फिर आपकी मम्मी देखी नहीं मतलब फिल्म आपकी डैडी देखी मम्मी आपकी इंस्टाग्राम पे देखी हमने उन्हें हमारा प्रणाम कहिएगा जरूर 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 सर एक और बात पूछना था आप ऐसे इतना वीडियो बनाते हैं गार्डन वार्डन में घूमने निकल जाते हैं आप इतने प्रसिद्ध इंसान हैं तो लोग आपको जब ऐसे बाहर देखते हैं तो आपको घेर लेते हैं कि आपको खेर लेते हैं थोड़ा सर हर्षो उल्लास मजा आता है माहौल बनता है इसलिए ऐसी बातें कर लेते हैं अरे सर यार आपके सर क्या बात है सर हम देखे सर वो वेब सीरीज में मिर्जापुर में कट्टा बेचते हैं सर आप जी, ये अच्छा है कि आप बाहुबली में नहीं थे क्यों एक कटप्पा भी बेच देते हैं अरे यार लेकिन सर नाराज हैं आपसे ऐसा क्यों? नहीं करना चाहिए था आपको क्या किया ये देखिए भारत देश में आपने एक्टिंग का स्तर उठाया अच्छा बात है अच्छा बात है अपनी फिल्मों में वेब सीरीज में आपने बंदों को उठाया ठीक है कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम आपको हमारी भैंसिया को नहीं उठाना चाहिए था इन्होंने हमारी भैंसिया को उठाया है भैंसिया कैसे उठाया तेरे पास सबूत है कोई सबूत जहां से हमारी भैंसिया गायब हुई है ना वहां हमको कागज मिले वैसे आपको सच बताएं ये जो कागज आपका फिल्म आ रहा है ना सबसे ज्यादा इसको ट्रैफिक पुलिस वाले देखेंगे क्यों क्योंकि हर सिग्नल पे कागज देखते हैं यार पीछे पड़ जाते हैं कागज दिखाओ कागज दिखाओ कागज दिखाओ बहुत देखेंगे यार ट्रैफिक पुलिस वाले लेकिन सर भैंसिया को उठाना नहीं चाहिए था बहुत याद आ रहा है उसका अगले महीने 8 तारीख को उसका बर्थडे भी है 8 तारीख अगला महीना मतलब कौन सा दिन हो गया वो एक बार चेक कर लेते हैं उनको ऐसे क्यों देख रहा है हम कैलेंडर देख रहे हैं सर मिस्टर इंडिया कैलेंडर माय फेवरेट सर माय फेवरेट सर आपने इन्होंने कैलेंडर देख लिया अब आप सिलेंडर देखिए ये क्या तुम लाल रंग का ये पहन के आ गया यार कप्पू शर्मा वो मिस्टर इंडिया फिल्म में वो घड़ी पहनता ना गैजेट बटन दबाने से आदमी क्या हो जाता है गायब थोड़ी देर के लिए आप भी हो जाओ थोड़ा बातचीत चल रहा है लेकिन हमारी भैंसिया सर बहुत प्यारी अरे सर पहली बार हमारी भैंसिया को जब हमने देखा इतनी सी थी ओए इतनी सी कहाँ होती है तो फोटो में देखा ना यार और फिर 2 सेकंड में बड़ी हो गई ऐसे कैसे 2 सेकंड में बड़ी हो गई जूम किया यार हमने यार बेसिक बात नहीं समझ में आ रहा है बच्चा जूम कर बैठ सर मुझे लगता है तेरी भैंस ना किसी के साथ भाग गई है कप्पू शर्मा देख हम किसी के साथ भाग सकते हैं भैंसिया नहीं भागेगी
यार उसके दामन पे कोई दाग नहीं, और दामन छोड़िए सर, उसके तो दूध में भी कोई दाग नहीं है। अच्छा। एकदम व्हाइट सफेद दूध देती है हमारी भैंसिया, व्हाइट। तो दूध तो सबका ही सफेद होता है? नहीं नहीं, चींटी का दूध सफेद नहीं होता है। अच्छा, चींटी कहाँ दूध देती है भाई साहब? अच्छा, तो शक्कर का दाना उठा के क्या मिठाई बनाने जाती है? दूध में डाल के बच्चों को पिलाती है क्या यार? खैर छोड़ो, नहीं लेकिन ये भी आप दोनों छोड़ो, आप खैर मत छोड़ो वरना सिर्फ अनुपम रह जाएगा। सर ये तो हमारी है। एक मिनट, ये तो यार, अरे ये तो हमारी फूलझड़िया है, हमारी भैंसिया है यार, मिल गई। ओ भाई साहब, मैं ले आऊं से, मेरी भैंस है। हमारी भैंसिया पाल पोस के हमने बड़ा किया, हमको पता ही है हमारी भैंसिया है सर। हेलो, क्या सबूत है? प्रूफ चाहिए आपको? हाँ यार, हमारा ना हमारी भैंसिया के साथ रिलेशनशिप है। अच्छा। बातचीत करते हैं हम दोनों, हम दिखाएं आपको। ए फुलझड़िया, बोली यार, तुम बात कर सकते हो, बताओ। हाँ एक मिनट, देख लिया, हमको हमारी भैंसिया मिल गई, हम खुश हैं। सर हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है, जॉक पेश कर दें। तो क्या होता है कि एक ना अगरबत्ती है। हाँ। तो अब अगरबत्ती की अगर माता जी रही, जो कि है नहीं, लेकिन अगर अगरबत्ती की माता जी रही तो उनका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? मोमबत्ती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम चलते हैं। बड़ा मजा आया सर आपसे मुलाकात करके। I will see you. Take care. अरे भाई साहब, चलो के चल बे। ए चलिए सर। अरे अरे अरे, एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अनुपम सर, सतीश सर, पंकज भाई, आइए। आज इतना मजा आया अनुपम सर, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग था ये। और ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान वो सफर तय करके आए, अगर हम किसी के सफर से भी अगर कुछ सीख सके तो बहुत बड़ी बात है। और आज आपकी स्टोरी सुनी, पंकज भाई की स्टोरी सुनी, इतनी जो आपकी स्ट्रगल है, जर्नी है आपकी, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। पता नहीं, लालच ही होता है एक इंसान को कि इतने गुणी लोग आए हैं। वैसे ही कुछ जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इट्स वंडरफुल टू बी ऑन योर शो, बिकॉज हमारे सक्सेस का जो मापदंड है वो एज पर्सन, नॉट एज प्रोफेशनल, एज पर्सन आपके शो पे होता है। आपने जो इतनी खूबसूरत बातें की और इनका जो इन्फेक्शियस लाफ्टर है, ये दिल से निकलता है। और आपकी पूरी टीम जो है ना, वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। अच्छे लोगों की, और अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। बिल्कुल सर। और ये इस शो की कामयाबी है। लव यू सर। मैं चाहूंगा कि मेरी किताब जो है वो सब लोग पढ़ें, और सतीश कौशिक साहब की कागज सब लोग देखें। मेरी पूरी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, एंड आई एम श्योर इट शुड बी अ ग्रेट ग्रेट हिट। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल। और आप लोग बस ऐसे ही देखते रहिए। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों अच्छा आज शायद सबको मजा आया, आपको मजा आया सर, इसका एक रीजन है। रीजन है कि हम चारों के चारों जो है ना, वो यहाँ से उठ करके अपनी जर्नी की है। तो सबके दिल जो है वो टकराए, पांचों के पांचों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये अनमोल खजाना देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू अनुपम सर। थैंक यू सतीश सर। थैंक यू। और दोस्तों, आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी जरूर रखें, मास्क जरूर पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। गुड नाइट। चबकार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।